आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। वीडियोकॉन ग्रुप के नियमों के खिलाफ जाकर दिए गए करोड़ों रुपए के लोन के मामले में लगी हथकड़ियां। असल में जब ये लोन दिए गए थे उस वक्त चंदा कोचर बैंक की सीईओ और एमडी के पद पर थी। इनकी इस हरकत के कारण लोन के एमपीए होने से बैंक को 1730 करोड़ रुपए का या यूं कहें कि आम जनता को नुकसान हुआ है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोचर परिवार को एजेंसी हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए बुलाया गया था जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कोचर परिवार अपने जवाबों को कॉकटेल की तरह दे रही है। अब कोचर को शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरल शब्दों में बताते हैं आखिर क्या है ये घोटाला। दीपक और चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन को दिए गए लोन के जरिए बड़ा फ्रॉड किया है। ये लोन बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गए जिस पर अब सीबीआई, ईडी, एसएफआई और आयकर विभाग जांच कर रहे हैं। 3,250 करोड़ का लोन साल 2012 में वीडियोकॉन को दिया गया था। जानकारी के अनुसार वीडियोकॉन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स में वीडियोकॉन को लोन मिलने के बाद करोड़ों रुपए का निवेश किया था। बता दें कि लोन को जिस कमेटी ने मंजूरी दी थी उसमें चंदा कोचर भी थी। हालांकि अक्टूबर 2018 में इस मामले को लेकर चंदा को इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले की जांच 2016 में शुरू हुई थी जब दोनों फर्मों वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआईसीआई बैंक में एक निवेशक अरविंद गुप्ता ने लोन अनियमितताओं के बारे में चिंता जताई थी। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ की गई शिकायत के बाद कई एजेंसियों का ध्यान इस ओर गया और 24 जनवरी 2019 को एफआईआर हुई जिसमें चंदा, दीपक, धूत समेत चार कंपनियों का नाम शामिल है। ईडी ने 2020 में कोचर परिवार की 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की थी।